ओके तो रोज का है, क्या रोज का है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 100 नंबर के 120 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका एक सही उत्तर है तो आप खुद को देते हैं कितना, 0.83, और अगर आपने कोई आंसर गलत मार्क किया है तो आप माइनस कर देंगे 0.27। ओके तो शुरू करते हैं ये पेपर। सबसे पहला जो सेक्शन था दैट वाज स्पॉटिंग एरर। अच्छा पहला पहला गलती यही माफ कर देना भाई साहब, यहाँ इंग्लिश होना था लेकिन जनरल नॉलेज गलती से हो गया है। ओके क्वेश्चन नंबर वन, द काट मैंने किया है नहीं है सर के काटना, मैंने बस क्वेश्चंस बनाए हैं। द नेक्स्ट टाइम यू आर एट द सिटी एयरपोर्ट, अ पार्ट ऑफ शॉपिंग फॉर द यूजुअल, यू कैन ऑल्सो परचेज अ पीस ऑफ आर्ट। क्या लगाया इसमें, बी बी? क्यों बी? अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम होता है कि शॉपिंग के अलावा यू कैन ऑल्सो परचेज अ पीस ऑफ आर्ट, अपार्ट फ्रॉम। सेकेंड नंबर है, डिस्पाइट बींग लेट लो बाय इलनेस इन, कौन आया? ओके लेट लो बाय इलनेस इन द रन अप ऑफ द इवेंट, द स्पोर्ट्स मैन इंटेंड टू गिव हिज बेस्ट इन द अपकमिंग चैंपियनशिप। बी क्या होगा? हेलो इंटेंस बैटमैन, इंटेंस। ओके सिंगुलर है बहुत और गंदा था, वैसे पिछला पढ़ के इंटेंडेड लगाने का जी चाह रहा था बट आगे वाला पढ़ा फिर क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सीधे वी1 कभी नहीं आ सकती। क्या आएगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है तो वी1 के साथ FAIS आता है, पास्ट इंडेफिनिट का केस है तो आपका क्या आएगा, V2 आएगा, और कोई भी केस हुआ तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब सीधे वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ओके थर्ड पे आते हैं, आफ्टर सेइंग सॉरी स्टेइंग टुगेदर फॉर सेवरल इयर्स द एक्ट्रेस फाइनली सेपरेटेड। ये गलती हो गई, यहाँ पे ई जो है इसीलिए, वो गलती से टाइप हो गया और मेरे से। इसको हमने एरर मार दिया। ओके एरर मार के कोई दिक्कत यस नहीं, आप खुद को नंबर दे दीजिए, वैसे इसका नो एरर था, हर था वो, ठीक है आप वो खुद को आंसर दे, आंसर दे दो कह रही हूँ, नंबर दे दो। नंबर फोर, ये भी एक एरर आ गया मेरी तरफ एग्जैक्टली से, द चीफ अचीव। मुझे थी पानी पीने दो यार, द थीफ। हाँ चोरी द थीफ डिड नॉट नो दैट, यहाँ पे जो है मुझे वॉज लगाना था। ओके एरर बताया हमने भी। यही एरर कर दिया है, यस मम्मी मेन यहाँ एरर पे जो है, सी आया था एरर ये भी है क्योंकि लाइन लेइंग नहीं होगा, क्या होगा, लेटने के लिए आप क्या लिखते हो, लाइन लिखते हो ना, लाइन ठीक है तो लेइंग नहीं लेइंग होगा, मतलब क्या लाइंग बिछाना। होगा। लेइंग का देखो कई मतलब होता है, एक तो बिछ जाना, बिछ जाना मतलब खुद को बलिदान कर देना, दूसरा किसी चीज को देना हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रखना, और तीसरा है अंडे देना। देना तो ये जो कुत्ता है वो अंडे नहीं दे रहा था, टेबल के नीचे लेटा हुआ था, ठीक है तो बताइए लेइंग हमने नहीं मार्क्स होगा। देना था मैंने क्या। इसी मैंने को देख के सी किया था, को देख के सी किया था, देखो जिसने सी किया है वो लोग खुद को नंबर दे लो, हम कैसे दे लो, उनको बी नहीं दिखा आर लगाया, वो तो उनकी भी गलती तो हो लगाया हम मेरी लोग, गलती से उनकी एजुकेशन होगी। पे सवाल उठेगा। मैम ऐसा बड़ी क्या तो करो, टेंथ की चलो इशू हुई ना, चलो ठीक है, सारे आपने खुद को बोला था ना नंबर शुरू दे से लो। देखना, यानी 2 मार्क्स बढ़ा दें 2 क्वेश्चन के, मतलब 0.83 और 0.83। हाँ हाँ ये थर्ड और भाई फोर्थ पॉइंट गया, टू सेवन ही बढ़ाओ ना। ओके हाँ हाँ पॉइंट टू उधर कटे सेवन भी भी तो थे। तुम्हें ओके दो बार हाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो ओके तो कर लो फिर तो गलती, सही स्कोर हो गया, फिर तो ठीक है। हाँ 2 क्वेश्चन से बड़ा तुम्हारा सही हो जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं, हैड यू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन यू वुड हैव वन द फर्स्ट प्राइज। अगर आपने ड्राइंग डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट डी किया होता, डी, ये डी एरर नहीं है। ओके बी कौन कह रहा है, मैम एक बार डी डी फर्स्ट डी का फॉर दिखा डमरू, देना, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट का बीबी क्या है, बी। अपार्ट फ्रॉम होता है ना, कि शॉपिंग के अलावा यू कैन यूजुअल शॉपिंग के अलावा यू कैन ऑल्सो परचेज अ पीस ऑफ आर्ट, तो अपार्ट ऑफ नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम होगा, और दूसरे वाले में स्पोर्ट्समैन इंटेंट एन ही नहीं लिखा था मैंने, इंटेंट्स होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, स्पोर्ट्समैन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है कभी। ओके और मीनिंग निकालोगे तो आपका ये आएगा कि स्पोर्टमैन जो है वो इंटेंट करता है टू गिव हिज बेस्ट इन द अपकमिंग चैंपियनशिप। ओके क्या हुआ, कौन, क्षितिज? हाँ हाँ मैम ए वाले में, सॉरी ए नहीं पहले वाले में थोड़ा सा दिक्कत था कि इसमें जो लिखा है आर एट द सिटी एयरपोर्ट, हाँ मतलब मुझे उस टाइम यू रूल आया, याद आया कि जब किसी मोटे, मतलब मोटे नहीं, मतलब एयरपोर्ट अगर किसी सिटी में है और दोनों को बोल रहे हैं तो एयरपोर्ट को एट आएगा और इन सिटी स्पेसिफिक आएगा ना, तो
तो यहाँ तो कोई सिटी मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ एट नहीं आना चाहिए ऐसा लगा था मुझे। नहीं ऐड तो आप नहीं, वो तब होता है ना मैम, जब जब रुकना होता है कुछ देर के लिए कि मैं रुका हूँ, स्टे किया। हाँ, यहाँ अच्छा मेन बात क्या है कि अगली बार जब आप सिटी एयरपोर्ट पर हो तो यूजुअल शॉपिंग के अलावा आप यहाँ पीस ऑफ आर्ट भी परचेज कर सकते हैं, ये बात है ठीक अच्छा है, इसलिए यहाँ ऐड मैम, ऑप्शन गलत रूल गलत जगह याद आ रहे है हैं। बस। ओके नंबर 6 है विकास फोर्थ का क्या? क्या? फोर्थ, फोर्थ में अपने आप नंबर दे, थर्ड और फोर्थ दोनों लगा में नंबर दे दो, यहाँ लो। पे मैंने दोनों बी के लिए लगाया आउट था। हो गए। बी लगाया था, बी तो हाँ ठीक है, यहाँ पे आर की जगह बॉज होगा ठीक है, और लेइंग की जगह भी लाइंग होगा, लेइंग मतलब लेटना नहीं होता, लाइंग मतलब लेटना होता है ठीक। लेइंग के 3 अलग अलग मतलब होते हैं, एक तो बलिदान देना, दूसरा किसी चीज को हॉरिजॉन्टली रखना, और तीसरा होता है अंडे देना, तो यहाँ तीनों का मीनिंग नहीं है। लेटने का है कि जो कुत्ता था वो टेबल के नीचे लेटा हुआ था, इसलिए लाइंग होगा ठीक है। नंबर 6, द कार दैट इज यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर, बिलोंग्स इज बिलोंग्स, नहीं मैम, सिर्फ बिलोंग्स। बिलोंग्स बिलोंग्स क्यों, कौन सा नियम है? कुछ हमें वर्ड्स का उसमें ना वो नहीं उसका बनता, कंटिन्यूअस नहीं कंटिन्यूअस नहीं होता बनता, कंटिन्यूअस है ना, उसमें भी एक पीछे आ गई बिलोंग एक था, स्टेप। एक स्टेप आप पीछे चले आते हो, तो इस बिलोंगिंग का आप क्या कर दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ बिलोंग्स जाओगे, बिलोंग्स कर दोगे। ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड मी एट दैट वे, ही नीड नॉट इज मैम, नॉट, ए हाँ ए, क्यों ए, नीड नॉट नीड ऐसे क्यों होगा बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, वाई मैम, पढ़ने में अच्छा लग रहा था। हाँ बस हो गया, जो जिनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है वो अलग हो जाओ, अब फिर बताओ कि नीड नॉट हम क्यों लिख रहे हैं, मैम परफेक्ट टेंस है इसमें, परफेक्ट टेंस है नो मैम, नीड्स का ना मीनिंग वो हो जाता है, चेंज हो जाता है, और नीड, नीड जरूरत का काम कर रहा है कि उसको इतना जरूरत नहीं थी चिल्लाने की, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसका ना कोई एस सी आई एस बनेगा, ना कोई सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगा, नीड नीड ही रहेगा। कैसे पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि नॉट से पहले लगा है, क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब तो नॉट के पहले लगा है नीड, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसको वर्ब की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ना कोई एस सी आई एस लगेगा, ना कोई सेकंड थर्ड और आई एन जी फॉर्म लगेगा। He need not have shouted me that way. ठीक है? हाँ? शाउटेड मी ठीक है ये, Need not ओके have shouted me, shouted at होता है वैसे तो, वही तो मैंने ना? अभी सोचा, बट Shouted at me that way. बट पहला है, देखा मैंने इसी था। ये भी यूपीएससी के ही किसी एग्जाम में आया हुआ है, जाने दो, यूपीएससी का पेपर था तो अब क्या कर सकते हैं, पता है कौन सा एग्जाम था, कोई था उसका और हम वो शाउट का तो एट ही होता है ना प्रपोजिशन की, शाउटेड एट मी। शाउट एट भी होता है, शाउट टू भी होता है, शाउट टू अच्छा होता है चिल्ला के बुलाना, और शाउट एट मतलब होता है डांटने के केस में, शाउट टू ऐसे अच्छा मत करो, पीवाईक्यू में था। यस मैम, नंबर 8, डेजर्ट्स ऑफ अर्थ इज अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स कॉन्स्टेंटली पुशिंग लाइफ टू द लिमिट, बी डी क्या हो बी जाएगा, डेजर्ट्स है आर तो आर होगा। नंबर 9, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैवरिक यू मीन दैट ही इज अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट थिंक और बिहेव इन द सेम वे। डजंट थिंक और बिहेव। ओके, क्योंकि आप ही की बात कर रहे हो तो डू तो नहीं लगाओगे, डज ही लगाओगे। द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009 वाज डिजाइंड टू फाइंड प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स, लॉन्च इन, बी लॉन्चिंग लॉन्च इन ईयर के साथ क्या लगाते हो, इन लगाते हो, मंथ के साथ, इन अक्टूबर इन ऑन जनवरी ओके, डे के साथ, ऑन 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 मंडे अच्छा, ऑन टाइम के सैटरडे साथ, एट एट ओके, डेट के साथ, ऑन ऑन ओके, ये ऑन आपने ये पढ़ा था पैसेज, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बनने का कोर्स कर रहे हो क्या? ये मैम उसमें था ना मैम, तो आपने कराया था हाँ लाइफ जी, में, ये कराया था तो पार्ट्स ये, ऑफ स्पीच पे ले चलो सीधा। अच्छा, वैसे पैसेज है ना, पैसेज अभी नहीं हाँ करेंगे, पैसेज तो वैसे भी हमने लास्ट में ही करना है, सिनोनिम्स पे आते हैं। अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइट पर्सन, क्या होगा, इसमें सीजन्ड और मैच्योर दोनों डाला, अगर आप बोल रहे हो मैच्योर कि है, दोनों लग रहा मैच्योर है, देखो मैच्योर राइट मैंने अगर आप सीजन डाला था, सीजन बट देते टू बी मैच्योर बेटर रहेगा।
सुनो भैया सुनो, क्यों मच्योर होगा और क्यों सीजनड नहीं होगा? सीजनड अभी तक आपने क्या देखा है? बचपने, जैसे बचपने का ऑपोजिट आपने देखा था सीजनड पिछले पीवाईक्यू में, राइट? अगर आप राइप किसी फल की भी बात करते हो, कोई फल जो है वो राइप हो चुका है, मतलब क्या है, पक गया है, मतलब मच्योर हो चुका है। तो अगर कोई पर्सन है, पक तो नहीं जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि आप बुढ़ा बुढ़ा गए हो तो आप बिल्कुल अनुभवी हो चुके हो। कुछ लोग होते हैं जिनको बस यही लगता है कि उन्होंने अपने बाल धूप में ही सफेद कर रखे। कुछ लोग बुढ़ापे तक गलतियां करते हैं। मेन क्या है कि वो जो पर्सन है वो मच्योर हो चुका है। जैसे एक फल मच्योर हो जाता है पकने पे, वैसे ही इंसान क्या है, मच्योर हो गया है। सीजन यहाँ उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जितना कि मच्योर। नंबर 22, द सोल्जर्स रिपल्स द एनिमी। रिपल्स किया मतलब क्या किया? रिपेल। रिपेल। ठीक है, ओके। नंबर 23, शी डेफली मास्ट हर फीलिंग्स। ए छुपा लिया, मतलब मैम बना छुपा लिया। हीड हाँ, हम 21 में बी होगा ना मैम, 21 में भी। हाँ ठीक है, डेफली का मतलब क्या है? डेफली मतलब बहुत ही कुशल तरीके से, जो बोलते हैं ना डेक्स्ट्रसली, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपनी फीलिंग्स को। डेक्स्ट्रस तो कला को कहते हैं ना। हाँ तो कुशल देखो ऐसा नहीं है कि कला है तो बस उसका मतलब कला ही है। कला मतलब आपकी कुशलता किसी काम में, किसी काम में आप डेक्स्ट्रस ओके है मतलब वो काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उस्ताद हाँ, तो उसने डेफली मास्क किया अपनी फीलिंग्स को, मतलब बहुत अच्छे से छुपा लिया अपने फीलिंग्स को। 24, वेंडर्स मतलब कौन? विक्रेता बीच विक्रेता, विक्रेता मॉर्निंग एजेंट, सेलिंग। द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम। गलत हो गया था, डी लगा दिया था, छोड़ दिया याद था पता चला मैंने। होता अगवा करना होता है। बिल्कुल, अगवा करना होता है, चोरी करना और छोड़ अगवा दिया था करने में डिफरेंस होता है। मैं, मतलब मैम अबडक्टेड किसी एम्बेसल। पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। अच्छा हाँ, तो एम्बेसल क्या होगा? अच्छा, एम्बेसल एबडक्ट नहीं है ये भाई साहब, एबडक्ट नहीं है। मैं भी अभी देख रही इंडिकेटेड हूँ, है वो, एबडक्ट नहीं है, एबडिकेटेड है। बट एबडिकेट का माइंड में मतलब वही क्या आएगा होता है? सैक्रिफाइस। गिव अप, सैक्रिफाइस। क्या पोजीशन आपकी, आपकी पावर, आप गिव अप कर दे रहे हो, एबडिकेट होता है। ठीक है, ऐसा डिग्रेडेड होगा नहीं। बच्चा क्या है? एम्बेजल्ड। एम्बेजल्ड क्या है? सिनोनिम किसका? स्टॉलन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं 26 पर। द सोल्जर शोड एन एग्जेम्पलरी करेज, जिससे आप उदाहरण दे सके। कैसा? आइडियल। आइडियल दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर। सर्व किया मतलब ऑफर ऑफर किया। डी देयर वॉज कॉपियस रेन दिस ईयर। छोड़ दिया था एबंडेंट। एबंडेंट एबंडेंट। कॉपियस एबंडेंट मतलब होता है वर्ड का ज्यादा मीनिंग नहीं पता मात्रा था, में। क्या? वर्ड का मतलब नहीं पता था बट सेंटेंस ही समझ में आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर पेपर में बैठे हो तो सारे के सारे आपको आते ही हैं। कहीं आपको जहाँ दिमाग लगाना होता है, ऐसे होता है कि सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाती चीजें। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 10 में से आप 7 आराम से कर सकते हैं, पता नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कर सकते। कॉपियस का मतलब है अबंडेंट, लार्ज इन क्वांटिटी। अच्छी खासी बारिश हुई है, अबंडेंट। ओके, नंबर 29, द डायमंड्स आर ब्रिलियंट। ब्रिलियंट है डैजलिंग कैसे? मैम, मतलब एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो जो क्वेश्चन में था? कॉपियस हाँ लार्ज इन मैम क्वांटिटी वो, होता है, मैं मतलब उससे रिलेट भरपूर किया, बारिश हम हुई है। बोलते हैं ना कि कोप कर लिया। नहीं, वो कोप अलग हाँ है। हाँ तो मतलब उससे ये उससे कॉपियस रिलेट है करके इनफ इसका। कर लिया। अच्छा अच्छा, नहीं, एम्पल होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, या फिर ठीक इसी को क्या बोलते हो आप, प्लेंटी, प्लेंटीफुल बोलते हो। ठीक है, इसी को आप अबंडेंट बोलते हो, इसी को आप वॉल्यूमिनस बोलते हो। ओके, द डायमंड्स आर ब्रिलियंट, डैजलिंग डैजलिंग डार्जलिंग, चमकते हुए। इट ऐसे वाज द ऑप्शन दो तो अच्छा लगेगा टेम्पेस्टुअस ना। नाइट। तारे थोड़ी मिल जाएंगे। इट वाज द स्टॉर्मी टेम्पेस्टुअस स्टॉर्मी नाइट। स्टॉर्मी अगर तुम्हारे पिताजी हैं, टेम्पर हाई है, मतलब घर में तूफान आ रहा है, टेम्पर से टेम्पेस्टुअस समझ जाना, स्टॉर्मी। ठीक है, 30 का हो गया डी। ओके, एंटोनिम्स पे आते हैं। सम ऑफ द क्रिटिसिज्म व्हिच दे हैड टू पुट अप वर वेरी अनफेयर। एप्रिसिएशन तारीफ क्या हो जाएगा क्रिटिसिज्म का उल्टा? तारीफ तारीफ। पे तारीफ। ओके, हाँ, एक्टिविटी का उल्टा, हम ये समझ नहीं आया था, थोड़ा आइडल कर दिया था। एक सेकेंड, आइडल का मतलब खाली बैठना मैम होता है। डोरमेंट कर दिया था मैंने तो, रुको, मैंने भी इट डोरमेंट कुड किया नॉट था। हैव बीन एक्सपेक्टेड दैट विद सच अ बेंट ऑफ माइंड ऑफ पीपल देयर शुड हैव बीन मच एक्टिविटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फिजिकल साइंसेस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वाओ
मैम बीसीडी सिनोनिम्स लग रहे थे। मैंने मैम इंडोलेंस कर दिया, लाइक डोल ना डोलने वाला पड़ा रहता ऐसे सेंस लगा। वो सही है ना, उसने की में देखा इसीलिए बोल रहा है। नहीं भाई मेरा भी सिनोनिम लगा रखा पहले से ही। अरे मजाक कर, यही लगाया था। अमेरिकन इंग्लिश में इंडोलेंस ही बोलते हैं। ठीक है, डोलने जो ना डोले उसे डोलने। इट कुड, मैं कुछ सोच रही यार ये क्वेश्चन मैंने डाला कब। वही तो, ऊपर से हम ए से लेके मैम तक सब तो। कैट का पेपर भी देखा था क्या आपने? कैट का एक बार तो नहीं देखा था। कैट वाले भी दया खा जाते हैं, इतने ज्यादा सेम ऑप्शन थोड़ी देते हैं। इट कुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड दैट विद सच अ बेंट ऑफ माइंड ऑफ पीपल देयर शुड हैव बीन मच एक्टिविटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। आपने सी डाला है की में आंसर? सी डाला है मैम, डी भी आएगा ऐसे लग रहा है इसका। मैम इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? इंडोलेंस मतलब होता है कि कोई कोई काम आपको पसंद नहीं है तो आप पढ़े हो, नहीं करना मुझे। मैम डोरमेंट वाले तो हम एक्टिविटी का आइडल नहीं बना ज्यादा। आइडल आइडल खाली बैठना होता है, एक्टिविटी मतलब हरकत नहीं। तो देखो ना यहां, देखो ना वर्ल्ड यहाँ पे ये है, आप कोई काम करना नहीं चाह रहे हो इसलिए खाली बैठे हो। डल का मतलब है बेवजह, आइडल वही, डोरमेंट वही। डल डोरमेंट आइडल तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इंडोलेंस क्या है, आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो इसलिए खाली बैठे। ओके, यहाँ पे इंडोलेंस बेटर रहेगा। ये सच में हार्ट है यार, मैं कुछ सोच रही है मैंने दिया कब। अमित मार्क्स, आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं वैसे? क्या दिया आपने, आप पहली बार देख रहे होगे भाई? सारे देखे हुए तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये मैंने कब दे दिया? मैम आप मुझे लगा समझ नहीं आता है, मुझे याद ही नहीं कि मैंने ये दिया कब। अब मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इसमें, इस पेपर में बच्चों के? पहले हो जाए। ओके मैम, बहुत मेहनत करती हो आप, समझ में आ रहा है। टेररिस्ट प्रोफेस फैनेटिकल आइडियोलॉजी, फैनेटिकल मॉडरेटर, तो मॉडरेट का उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, फैनेटिकल का उल्टा मॉडरेट, और बाकी तीनों का क्या है, सिनोनिम है क्या? मिलिटेंट तो ज्यादा ही हो गया, पता नहीं बायगॉटिक मिलिटेंट को हटा देते हैं। फॉरबिड का मतलब पता नहीं, फॉरबिड भी होता है कुछ कुछ फैनेटिकल से मिलता जुलता। मंबागी टाइप होता है फॉरबिड तो, शायद बागी होता है शायद, जो मतलब उल्टी दिशा में चलता हो ना। नहीं मतलब जो भी उसका इमोशन है उस पे वो टिका हुआ है, इस टाइप से होता है, तो वो कहीं ना कहीं फैनेटिकल से मिलता जुलता है। कोई भी आपका विचार है उस पे आप फैनेटिकल का एग्जैक्ट मतलब क्या है? कट्टर, कट्टर। ओके राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर, वल्नरेबल है तो उसका उल्टा रेजिलिएंट, रेजिलिएंट है, रेजिलिएंट। ही इज लेजी, लेकिन उसका भाई कैसा है? एक्टिव, एक्टिव है। बाकी तीनों क्या है, लेजी के सिनोनिम। ओके, स्लॉथ भी इसी का सिनोनिम होता है, स्लॉथ। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसकी क्वालिटीज कुछ ऐसी हैं, स्लगिश। व्हाइल फेसिंग दैट सिचुएशन ही टर्न्ड आउट टू बी डॉन्ट कावर्डली, डॉन्टलेस मतलब निडर, बेधड़क, निडर या उसका उल्टा कावर्डली। ओके, मैम स्टोइकल का मतलब क्या होता है? ये स्टोइकल का मतलब होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे दुख है चाहे सुख है, अवस्था है, अन इमोशनल, आपके रिलेटेबल है। बोलने के लिए कोई बोलता है बेटा कमरे में बैठ के फिर रोता भी है। इंस्टा चेक करते हैं आया नहीं आया रिप्लाई। वी वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर थ्रू द रिकेटी वुडन स्टेयर्स, नैरो, स्टेबल किया था मैंने तो ए, बाकी सब नेगेटिव है, एक वही बेचारा पॉजिटिव था इसीलिए स्टेबल ही होगा, क्योंकि रिकेटी क्या होता है, जैसे रिकेट कमजोर हड्डी की बीमारी है ना, तो हड्डियां क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी तो स्टेबल नहीं रह पाएगा। एग्जैक्टली उसी से मैंने सॉल्व किया। मैम इसका लॉजिक कैसे लगाया? रिकेट्स होता है तो वो ऐसे ब्रॉड दिखता है ना बोन्स, और वो पैर ऐसे दिखता है ना, तो उसका पता है ना कि हड्डी, तो वो लॉजिक लगा। अच्छा लकड़ी थोड़ी ना ब्रॉड, स्टेबल इसका स्टेबल है, रिकेटी मतलब हिलता डुलता एकदम अनस्टेबल सा वुडन स्टेयर्स है, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा स्टेबल है। They made up profligate use of scarce resources. B. B. खाली छोड़ दिया था। देखो, resources कम थे, तो उसका कुछ हमने use किया। Effective. Effective. Profligate मतलब होता है धड़ल्ले से वेस्ट करना,
तो स्कार्स रिसोर्स हैं और हम उनका यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेस कम हैं, बस यूज करते ही जा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका सिनोनिम। एंटोनिम पूछता है क्या करेंगे, इफेक्टिव थ्रिफ्टी मतलब इफेक्टिव। मैम इसका मतलब पता नहीं था तो मुझे इफेक्टिव नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं होगा थ्रिफ्टी होगा। थ्रिफ्टी मतलब बहुत सोच समझ के थोड़ा थोड़ा। ओके ओके ओके। प्रोफ्लिगेट मतलब एक्स्ट्रावेगेंट। नंबर 39 द कंसल्टेंट एनालाइज्ड द प्रपोजल केयरफुली बिफोर ही डिसाइडेड टू जेटिसन इट। छोड़ दिया हम शशि थरूर के लेवल का डालो क्या करेंगे। ये आया वो क्वेश्चन, ये आया वो क्वेश्चन है। जेटिसन मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो इसका उल्टा। और थ्रिफ्टी का क्या मतलब बता रहा हूं आपको, सोच समझ के इस्तेमाल करना। हां चिंदी चोरी कर लिया मैम पर, तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, वो तो मतलब काफी खर्च करने वाला होता है ना, उसका मीनिंग। वो थ्रिफ्ट तो स्पीड के लिए होता है शायद। थ्रिफ्ट तो मैं मतलब एकदम एकदम थ्रिफ्ट गर्दा उड़ा दो। थ्रिफ्ट जो है आपका वो सेम है प्रोफ्लीगेट के। अब वो स्पेंड थ्रिफ्ट हम पूरा थोड़ी बोलेंगे। मैं प्रॉपर ज्यादा थ्रिफ्ट की स्पेलिंग बताओ, एचडी में चेंज करना पड़ेगा नहीं तो मेरे को। किसका चेंज, क्या किसकी स्पेलिंग? थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी स्पेंड थ्रिफ्ट की, थ्रिफ्ट की स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट जो है इसका सिनोनिम है प्रोफ्लिगेट का। अच्छा हां स्पेलिंग आगे भाई लगा दो, एचडी सुधर जाएगी तुम्हारी। हां नहीं स्पेलिंग ठीक लिखा है अभी मुंह में आ गए थे मेरे। जेटिसन बताओ, जेटिसन सी हो जाएगा। जेटिसन मतलब एक्सेप्ट करना, उल्टा लगाना है तो एक्सेप्ट कर दे। रिलेट कर लिया था क्या? मैम एंटोनिम्स में सेंटेंसेस नेगेटिव आते हैं क्या ज्यादातर? नहीं ऐसा नहीं है, अभी बोलो तो अगले टेस्ट में सारे पॉजिटिव लेके देखती हूँ। नहीं मैम नहीं, मतलब मैं ऐसा कई बार देखा है कि मैं जब वर्ड समझ में नहीं आता तो सेंटेंस में मुझे लग रहा होता है कि जरूर कि कोई पॉजिटिव मतलब देगा, फिर वो गलत होता है। नहीं ऐसा नहीं है, कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि नेगेटिव ही रहता है, कोने को कुछ भी हो सकता है। He handled the machine with deft fingers. अभी deft ऊपर भी था, clumsy deft, deftly था ना ऊपर, क्या मतलब था उसका? clumsy मतलब कोई भी काम तुम करते हो सब बिगड़ी, हड़बड़ी में गिराता रहता है, सब बिगड़ जाता है, लापरवाह टाइप्स। रुको एक सही शब्द देख लें इसका, क्लम्सी का। अरे मैम वो इधर उधर चलते पैर की उंगली लग जाती है, कुछ गिर जाता है ये वो। हाँ वही 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 नहीं, अरे तो ये मैं किसी को बोलूंगी थोड़ी अगर कोई मेरे से पूछ ले तो। क्या है? ऑकवर्ड, कम्बरसम, इल चूजन, इनेप्ट। बहुत सही, क्या क्या शब्द है भाई, लिख ही लेना, क्या पता आ ही जाए। ऑकवर्ड सुन लिया, अच्छा कल पूछूंगी। नहीं लिखवा दीजिए। इल चूजन और क्या है, इनैप्ट और क्या है, रहने दो यार कितना काफी है। कंबरसम एंड डेफ्ट का वन वर्ड मीनिंग क्या होगा? डेक्सट्रस। हाँ डेफ्ट का डेक्सट्रस। एड्रॉइट, इसका भी लिख ही देते हैं, डेक्सट्रस एड्रॉइट। ओके okay. अब आते हैं idioms and phrases पर। A bolt from the blue, complete surprise, मस्त। आपका नीला आसमान है उसमें अचानक से अगर बिजली चमक जाए, that is a complete surprise for you. अब बोल लेना China shop. B B B a person who is rough and clumsy where skill and care are required. इसको ऐसे समझ सकते हो, चाइना के शॉप्स पे चमगादड़ दिखेगी, बिल्ली कुत्ता दिखेगा, वहां बुल का क्या काम? तो जहां पे जोग्राफी वहां पे वो आ जाए। 41 का डी है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। 42 का बी, 41 का डी, डी फॉर डॉग। 43 अ चिप ऑन योर शोल्डर, कंधे पे आप चिप लेके घूम रहे हो, कोई भार लेके घूम रहे हो। देयर इज अ बर्डन ऑन योर शोल्डर। कैसा भार? मेरे शब्दों पर मत जाओ, कैसा भार? होल्डिंग ग्रुप। ही वाच होल्डिंग ग्रुप, किसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी,
अब तुम वो लेके घूम रहे हो कि मेरी बेइज्जती हुई है तो अब मैं भी लू करूंगा उसका, मतलब बदला तो लूंगा। मैं वो कंधे पे रख के कौन घूमता है, वो तो दिमाग पे होता है। लेके आना ऐसी चीजें। हाँ इसमें ग्रुज का मतलब क्या होता का मतलब, रुको फिर एक शब्द देखने दो। है? म्यूट कर लो यार। ओके ग्रीवांस, चलो ठीक है, दुख दर्द, ग्रीव, पीड़ा पीड़ा, तो बदले की भावना होती है ना। डिस्कोर, बदले की भावना। हाँ कि कोई बात लेके मन में बैठे होते हैं। हाँ जेलेसी टाइप होता है हाँ शायद। जेलसी नहीं होता है, जेलेसी नहीं। कोई गलत इमोशन आपके अंदर है जो कि मेनली आपके दुख की वजह से आपके अंदर आया है, किस रिवेंज भी चीज का नहीं बोल आपको दुख सकते है। मैं वैसे। क्या बोल, क्या नहीं बोल रिवेंज सकते, भी नहीं काफी बोल कॉमन सकते, वर्ड है ये रिवेंज। एक डिफरेंट हाँ बिल्कुल, फीलिंग होगी कि हाँ इसने रिवेंज तो बदला ऐसा हो गया अपना। किया, मतलब हम उसका बदला लेंगे, ऐसे भी कोई हाँ जरूरी मतलब वाली बात वो नहीं हर है। वक्त सोचता रहता है कि मेरे हाँ साथ ये ऐसा हो आपकी गया सोच है वैसा कि हो आप बदला गया, नहीं लोगे। बाकी मेरे जैसा हो तो वो बदला ले ही लेगा। 44 पे आते हैं, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। कैसा, ए पावरफुल पर्सन। नंबर 45, अ डार्क हॉर्स, अननोन एन अननोन एंट्री। एंट्री। ओके यस अननोन एंट्री। अ ड्रॉप इन द ओशन, क्या डी लगा इसका? डी 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 लगाया, लगाया। बहुत छोटा अमाउंट जिसकी जरूरत है उसकी तुलना में बहुत छोटा अमाउंट। ग्रीन हॉर्न, ए इनएक्सपीरियंस पर्सन। इसका क्या सोच के लगाया कि पता था? मैं ग्रीन था तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा सा सोचा था पॉजिटिव लग गया तो डी ऑप्शन लगा देख के दिया। मैम, इसमें मैम इसमें वाइस वाइस पर्सन और इनएक्सपीरियंस में थोड़ा सा वो था, हाँ बट मैंने चांस लिया इनएक्सपीरियंस में। मैं, मुझे मुझे भी पहले ये पता नहीं था, लेकिन जब मैं पेपर बनाए थे तब मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, तो मैंने ये सोचा कि मान लो जैसे कोई नया पत्ता निकलता है तो वो कितना ग्रीन होता है ना, एकदम मस्त चमकदार ग्रीन होता है। तो ऐसे अगर किसी का हॉर्न निकल रहा है शुरुआत में क्या होगा, ग्रीन होगा, और अगर शुरुआती दौर में है मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सोच के मैंने सोचा हाँ ये हो सकता है, ये था। नंबर और 48, मैम बड़ा सब में फ्लर्टी मैन मैन भी लड़का। आ रहा था ना सारे ऑप्शंस में, तो हाँ उन्हीं में से कोई एक होगा ये भी था। 48, अ हेयर्स ब्रेड्थ, कोई बात आप बता रहे हो ए बाल कितना पतला होता है। ओके बहुत कम। सी नंबर 49, अ हॉट पोटैटो। सी ये रिपीट हुआ है। ओके आपकी एक बाहर वाली है एक घर वाली है और आप सोच रहे हो अब क्या करूं, तो एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन विच इज ऑकवर्ड टू डील विद। नंबर 50, अ जेंटलमैन एट लार्ज, डी निकम्मा। निकम्मा। ये डी बता कभी भी शब्दों पे नहीं जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेज में। जेंटलमैन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तारीफ लिखी होगी, अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है निकम्मा, जिसके पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं। सेंस कहाँ बन रहा था कितने जेंटलमैन सर्कस के एट बाहर हो लार्ज? गए। अ मैन विदाउट अ जॉब सेंस ही नहीं बन रहा था कुछ। सेंस तो ये बिल्कुल पहला बेसिक रूल है इडियम फ्रेज सॉल्व करने का, कि जो सामने दिखे वो तो बिल्कुल नहीं है आंसर आपका, जो मतलब मैम शब्द वो से तो है मिलके ही कि निकल गया सामने है। देखे वो नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा होता है, बट ऑप्शन में भी चेक करते हैं ना, तो फिर सब कुछ सेंस ही बन रहा था कि या मैन विदाउट अ जॉब में लार्ज क्यों आएगा। तो थोड़ा याद भी रखना पड़ता है, जब मैम ये गोरे कितने नौकरी नहीं सर्कस होती ना के थे सकते हैं, तो अंग्रेजी जेंटलमैन लैंग्वेज बन के घूमना पड़ रहा है। हमारी हमारी है ही नहीं। अच्छा ओके हाँ सबको चलो इज्जत आते दो हैं ये तो। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। आई नो द रीजन व्हाई आई डिड इट, क्या होगा व्हाई? बी हाँ जी बी, रिलेटेड रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ठीक है रिलेट कर रहा है एडवर्ब, और आपको पता है वेयर और क्या क्या, व्हाई, व्हेन हाउ व्हाई। व्हेन और हाउ, ये सब क्या है एडवर्ब्स हैं। ये दो सेंस में आएंगे, क के और ज के। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आएंगे तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, और अगर ज वाले के इसमें आ रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब होंगे। यहाँ पे क्या होगा, आई नो द रीजन जिस वजह से उसने ये किया है, तो यहाँ पे वाई क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। 52, रीड इट ओवर केयरफुली, मैम वो भी कहाँ के एडवर्ब उसमें आएगा तब क्या है। होगा? अरे क मतलब जब आप क्वेश्चन केस केस में वाई को आप क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, और अगर आप उसको रिलेटिव के लिए यूज करोगे तो यहाँ वाई का मतलब क्यों थोड़ी है, जिस वजह से उसने ये किया है, मुझे ये वो रीजन पता है जिस वजह से उसने ये किया है, जिस लिए उसने ये किया है, तो वहाँ क और जय वो बता रही है। रीड इट ओवर केयरफुली, ओवर किसके लिए आया है, एडवर्ब रीड ओवर, रीड क्या है वर्ब है, तो ओवर क्या हो गया
एडवर्ब हो गया. ही इज लिटिल नोन हेयर. लिटिल क्या है? नोन है. तो लिटिल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. इनफ इज एज गुड एज द फर्स्ट. इज के पहले आया है मतलब. मैम वो जो सेंटेंस है लिटिल नोन वाला, हाँ एक बार दिखाना. हमें इसमें कंफ्यूजन थी क्या? कि ही को भी तो बता रहा ना मैम वो, कैसे या नोन को वो कैसे कर रहा. नोन को कर रहा है ना. ही इज लिटिल नोन हियर. पहली बात तो ये पैसिव वॉइस है. ओके उसे यहाँ कोई नहीं जानता. ओके उसे यहाँ कोई नहीं जानता. कोई नहीं क्या करता है? जानता है. यही होगा ना. तो नो के लिए यहाँ लिटिल आया है. ओके इनफ इज एज गुड एज अ फर्स्ट. इनफ इसके पहले आया है तो क्या हो सकता है? नाउन. नाउन हो सकता है. नाउन लगा दिया. वी हैव नॉट मेन इनफ. एडवर्ब. इनफ क्या नहीं है हमारे पास? मैन नहीं है. एडवर्ब होगा. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होगा ना. एडजेक्टिव होगा. इनफ क्या नहीं है? आदमी. और आदमी ये क्या है? नाउन है. वो इनफ क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. नंबर 56. ही इज लाइक हिज फादर. वो उसके पिता जैसा है. क्या है? डी. डी एडजेक्टिव है. डी लाइक किसके जैसा? उसके पिता जैसा. ओके तो यहाँ पे लाइक हो गया एडजेक्टिव. आई लाइक द ऑफर. लाइक यहाँ क्या वर्ब. है? वर्ब है. अगला. डिड यू एवर हियर द लाइक ऑफ इट? डी एडजेक्टिव. डी एडजेक्टिव. द लगा है साथ में तो ये कौन होगा? डी. ओहो बता दिया. इसलिए तीन तीन लाइक दिए थे. आगे. आई हैव हर्ड मोर मैम आपका वॉइस लैग हो रहा है. सबके लिए हल्का सा हुआ, हल्का सा हल्का सा. एक सेकंड. हल्का सा हो रहा है मैम, स्क्रीन में भी और वॉइस में भी. ओके हो सकता है नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो. पता नहीं लैन अमीरों के साथ भी दिक्कत होती है क्या? कौन अमीर भैया यहाँ? कोई नहीं, वो पता है सबको. चलिए 59. आई हैव हर्ड मोर सेंस. मैंने सुना है. हम छोड़ दिया था सुना है. और मोर क्या किया है? सुना है. हर्ड क्या है? वर्ब. मोर क्या हुआ? एडवर्ब हो गया. एडवर्ब. क्यों छोड़ दिया? छोड़ा क्यों? एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूजन हो रही थी. सिंपल सी बात है. छोड़ दिया था. किसके लिए आएगा? आपका नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा. एडवर्ब किसके लिए आएगा? वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए आएगा. मोर एडजेक्टिव का काम कर सकता है कभी? मोर एडजेक्टिव का काम नीचे किया है. नीचे भी नहीं किया. नीचे वाले में भी नहीं किया है. डिफिकल्ट कौन है? ये सम. ये है आपका नाउन. तो डिफिकल्ट कैसा है? सम. एडजेक्टिव और डिफिकल्ट और मोर एडवर्ब हुआ. और कितना डिफिकल्ट है? एडवर्ब नहीं. बहुत. पेन चला रहे हो मैम आप? नहीं दिख रहा ना. नो मैम. मुझे लगा मेरा नेटवर्क खराब है. दिक्कत आ रही है मैम, कुछ वॉइस भी लैग हो रहा है. अब मोर एडवर्ब भी रहेगा ना, ये पूछ रहा हूँ. हाँ जी फिर ठीक है. अभी दिख रहा है? नहीं एग्जाम में. नो वन पे आते हैं. दिख रहा है? अब तो दिख रहा है. कोई झूठ नहीं बोले. यस मैम. फोन में दिख रहा है. दिख रहा है मैम. एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस हिस्टोरिकल सिटी लेट अस है ये. ठीक है सी. हाँ क्या होगा? सी. साइट सींग. डूइंग साइट सींग कुछ नहीं होता है. साइट सी अपने आप में वर्ब है तो आप साइट सींग सीधे कर देंगे. He proposed meets me at the temple. क्या कितने गंदे क्वेश्चन बनाए यार मैंने. Meets me at the temple. क्या होगा? B. Proposed to meet me at the temple. She and dad would have had loved him. 83 का. B. 83 का. B. अरे यार ये फिर से नहीं चल रहा है. मेरी पेन चलती yes, दिख नहीं रही है. She and dad would have loved Amit. Okay, B होगा. पापा से मिलाने का काम चल रहा है. 84 है. Someone must be killed. Must have been killed. मेरा हो रहा है. मेरा हो रहा है network issue. Someone. Network issue. हाँ. अच्छा मैं सोचा 83 में जो हो रहा है वो हो रहा है आपका. की जरूरत है भाई. हमारे पिताजी हमसे थोड़े से नाराज हैं. 84 का ए हो जाएगा. दिख ही नहीं रहा है. हो चुका था है ना. 84 तक हम कर चुके थे. 85 पे आते हैं. हिज शूज टू कवर.
टू कवर विथ मड, ये क्या दिया है भाई मैंने, क्या हो जाएगा? इज द शूज वॉज कवर्ड, वर कवर्ड, वर कवरिंग या टू कवर सही है? बी, वर पर कवर्ड, वर कवर्ड विथ मड. द ट्रॉपिकल स्टॉर्म बी अ हरिकेन. अब यहाँ बी का क्या फॉर्म आप लगाना चाहेंगे? द ट्रॉपिकल स्टॉर्म विल बिकम अ हरिकेन, टू बिकम अ हरिकेन, बिकम अ हरिकेन. बी, बी. द ट्रॉपिकल स्टॉर्म बिकम अ हरिकेन, टू बिकम, वो तो सी है. द ट्रॉपिकल स्टॉर्म टू बिकम, बिकम और टू बिकम का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो बन जाएगा एक हरिकेन, ये मीनिंग आ रही है ना? मैम बनने को है नहीं बोल सकते, बनने को क्या, तो वहां पे इज एम आर होता है ना कुछ, तो हाँ, अगर प्रेजेंट की है इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, उसके बाद टू बिकम आना चाहिए ना. क्या ट्रॉपिकल स्टॉर्म तो खुद से बन सकता है ना, जैसे मान लो ये कहना चाह रहा है कि ये बोला जाए कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो हरिकेन बनने को है, बस बनने वाला है ना, अगर उस मीनिंग में आप बोलते हो, वो नहीं था इज एम आर प्लस टू वी वन, याद आ रहा है? हाँ, वो तो बता रहा है. तो आगे इज एम आर आएगा या पास्ट की बात है तो वॉज वर आएगा, उसके बाद आप टू वी वन करते हैं. ओके नेक्स्ट. 87. The doctor has advised him to take proper diet. The doctor has advised him to take proper diet. Has के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है? उसके अलावा यहाँ एडवाइस क्या है ये? अगर आपके सामने एडवाइस लिखा जाए तो ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन, नाउन है. जब आप वर्ब की बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? एडवाइज्ड होता है, एस वाला, है ना? और ये एडवाइस नाउन है. तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपने एडवाइस कर दिया ए. 87 आता है, सॉरी 88 आता है. बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे. एक खुशनुमा शाम होते हुए विद, नेचुरल इंसिडेंट है वो अकर कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या लगाते हो? पर्सनल प्रोनाउन इट लगाते हो. नेक्स्ट वन, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स. Any other writers? Any other writers? William Shakespeare is the greatest. Is the greatest लिखा है? Greatest. B लग रहा है. B लग रहा है. Any other ही लग रहा है तुम लोगों को? अरे यार, any other जब आप कहते हो तब आप वहां तुलना करते हैं. तुलना मतलब कंपैरेटिव डिग्री. यहाँ पे क्या कह रहे हो? ग्रेटेस्ट. तो किसी और से या सारे राइटर से, ये बताओ. सारे राइटर. ग्रेटेस्ट अगर आप कह रहे हो मतलब सब में से जो सबसे ग्रेट है उसकी बात हो रही, तो सब में से के लिए आप ऑल द राइटर्स लगाएंगे ना, बेसिक चीज. नंबर 90, शी इज नॉट यूज्ड टू स्लीप फॉर सो लॉन्ग. टू स्लीपिंग क्यों, कौन सा नियम है? मैम नियम नहीं पता, बट बताया था आपने. बताया था. यूज टू है, यूज टू के बाद क्या आता है, कौन सी फॉर्म? है ना, तो इसलिए टू स्लीपिंग हो जाएगा. ओके, अब आता है क्लोज कॉम्पोजिशन. ठीक है मैम, पर ये उसके अकॉर्डिंग करे जैसे हैबिट के उसमें तो वी वन आता है ना, यूज टू वुड के साथ. हाँ, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तभी ना आएगा. यहाँ पे तो इज है ना, नॉट के बाद आ रहा है, ये भी ध्यान दो. जब आप हैबिट पास्ट की बताएंगे तो यूज टू और वुड हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा, दैट मीन्स नॉट के पहले आएगा. ओके मैम. अच्छा, देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ अ मैन हु, जो कि क्या हुआ, गहरी नींद में चला गया. तो फेल लगाएंगे, स्लेप्ट लगाएंगे, फॉलन लगाएंगे, फॉल लगाएंगे. फेल. Who fell into a deep sleep. Fell. Okay. His friend stayed by him as long as he. जब तक रह सकता था तब तक उसके साथ रहा. Okay. 93. Okay. Being compelled to go and gearing. हाँ गया. Compelled to go and gearing that he might be in want. The friend hide a
छुपा दिया, क्या छुपाएगा? स्पार्कल छुपाएगा, ज्वेल छुपाएगा? ज्वेल क्या छुपाया? ज्वेल छुपाया. आपको आप ट्रेजर भी बोल सकते हैं, खजाना छुपा दिया. लेकिन फिर आगे कह रहा है कि ओल्ड मैन के कपड़ों में ही छुपाया, तो खजाना तो कपड़ों में नहीं छुपाएगा, है ना. ज्वेल छुपा दिया. व्हेन द ओल्ड मैन, फिर क्या हुआ? जगा, जगने के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट में जाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, एक ही जगह दिख रही है आपको. ठीक, अवोक. उसके बाद कुछ अंतर नहीं होता है, बस एक ही अंतर. ओके, कहाँ गया मैम? अगर वेकअप होता फिर कहाँ पर? वेक की जगह वेकअप होता तो क्या वो ठीक हो जाता? अवेक मतलब नहीं, नहीं, 94 का जो ए ऑप्शन है उसमें होता है, उसका भी वोक होता है ना सेकंड फॉर्म. अच्छा हाँ, वेक आपका फर्स्ट फॉर्म है. कहाँ पे आना था? 95 पे. ओल्ड मैन जगा, फिर नॉट 95 में क्या क्या ऑप्शन है तुम अपने में देख लेना, बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मैं अपने पेपर में देखती हूँ. ऑप्शन ए, नॉट नोइंग दैट इज फ्रेंड हेड, नोइंग ही आएगा. नॉट नोन, नॉट नोन, नॉट न्यू. नॉट नोइंग दैट इज फ्रेंड हेड, हेड क्या किया था ज्वेल को? छिपाया था, छिपाया था, है ना. तो छिपाने के लिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है? यहाँ पे नोइंग का ठीक है, छुपाया था. 96 का हो गया बी. फिर 97 में क्या है, इसी में देखती हूँ. 97 ज्वेल इन गारमेंट ही वॉन्डर्ड अबाउट इन इन रेन. ठीक है, क्या हो जाएगा? मैम इस वाले में कंफ्यूज हूँ. सी सी देखो, सी वाला वेन, सी वाला वेन होगा ना वहाँ पे. हाँ अच्छा, ऑप्शन आंसर की में भी यही था, आंसर की में यही था, बी था कि सी था? सी है, ऑप्शन सी है. सच में बर्बाद हो गया ना वेन. अच्छा रुक जाओ एक सेकंड. हाँ नहीं तो उसका फिर तो वेन ही होगा ना. रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, वो वेन दूसरा वाला वेन हो जा रहा है, सॉरी. ठीक है, फिर 98 मैम इस वाले वेन का मतलब तो वही रास्ते हो गया ना. बता दो मैम, ये समझ ही नहीं आया था 97 वाला, इसमें ये वेन वाला या ये? बस बस मीनिंग निकालनी और क्या. अब ये वेन जो है वो क्या होता है, आपका ब्लड की जो वेन्स होती हैं. हाँ जी, ये तो वही होती है, है ना. एक ये जो पहला वाला वेन है वो कुछ ब्लेड से रिलेटेड होता है. ब्लेड किससे रिलेटेड? ब्लेड ब्लेड ब्लेड. अच्छा ठीक है, मशीन मशीनों में जो ब्लेड वगैरह होते हैं उस टाइप से. ठीक है, ओके. अब अगर आप बात करोगे वेन की तो इसके भी कई मतलब हैं. क्या मतलब है? एक तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत क्राउड में आप घूम रहे हो चौड़े होके, ठीक. और दूसरा है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आप वैसे ही घूम रहे, है ना, बूटलेस. ओके, फिर अगला वेन क्या है? अगले वेन का मतलब होता है क्या क्या क्या, क्या बर्बादी. अच्छा फिर ठीक है, मुझे शिला जी सुना. डिक्लाइन होना, ठीक है, या फिर गो डाउन, नीचे जाना. ओके, कुछ खराब हो जाना. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये फ्रूटलेस के लिए ये वाला सी वाला वेन आएगा. 98 पे आते हैं. 98 क्या कह रहा है? अबाउट इन वेन हंगरी. अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द टू मेन मेट अगेन. द फ्रेंड टोल्ड द पुअर मैन अबाउट द ज्वेल एंड एडवाइज्ड हिम टू लुक फॉर इट. तो एडवाइस का क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा. अब कोई ये कह रहा है क्या कि सजेस्टेड भी तो हो सकता है? मैंने सही करा था. मुझे भी पढ़ के ही अच्छा लग रहा था, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक बार सर्च करते हैं. सर्च किया तो पता चला कि मान लो कि मैं अगर तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ, मतलब तुम मेरे अपने हो, तुमसे थोड़ा बहुत लगाव है. यही कोई रैंडम कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि मुझे एडवाइस दे दीजिए, तो मैं उसे एडवाइस नहीं दूंगी, मैं उसे सजेशन दूंगी. ठीक है, तो सजेशन जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी दिखाता है. ऐसा कुछ लिखा था उधर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी हमें तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो हम एडवाइस ही लगाएंगे. ओके, और एडवाइस ही सही है यहाँ.
ओके अब आएंगे हम आगे. एडवाइज हिम टू लुक फॉर लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी पीपल वेंडर. भटकने के लिए क्या लगाएंगे? वंडर अबाउट इन दिस लाइफ. फिर आगे बाकी ऑप्शंस क्या हैं? अरे तो मैंने बोला ना पेपर में देखो, मैं भी अपने पेपर में देखो. अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस मैम बी हो कि ए होगा इसका? 100 का बी, 99 का. 99 का ए होगा मैम. एक्सप्लेन कर दो. बिल्कुल देखो अगली लाइन भी थोड़ा ध्यान देना. लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी. बिल्कुल जैसे ये ओल्ड मैन था कि उसके खुद के कपड़े में ज्वेल था लेकिन वो इधर उधर भटक रहा था कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, है ना. तो उसी ओल्ड मैन की तरह जो लोग हैं वो भटकते हैं इस जीवन में. उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके अंदर क्या छुपा है और वो बाहर खोजते हैं. ये मीनिंग आ रही है. तो इसलिए भटकने के लिए आप क्या लिखते हैं? वांडर अबाउट लिखते हैं. उसके आगे की लाइन जरा देखिएगा. इन दिस लाइफ. फिर आपको पता नहीं है व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर. अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? कॉन्शियस, अवेयर, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस. आपको पता नहीं है तो आप क्या है? अनकॉन्शियस है. ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर प्योर एंड अनटार्निश्ड. आपके अंदर क्या छुपा है वो आपको पता नहीं है. आप बाकी चीजें कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं. तो मैम उसमें वंडर भी तो मतलब वही सेंस करता है ना कि कुछ ढूंढना हो, कुछ यू नो कुछ सीख. वंडर 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 आश्चर्य होता है. वंडर अबाउट उसमें लिखा हुआ ना, तो ये दोनों चीजों को लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी पीपल वंडर अबाउट की मतलब सोचते हैं ऐसे उस ओल्ड मैन के बारे में. ओल्ड मैन के बारे में थोड़ी सोचते हैं. लिखा है ये देखो, लिखा है लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी. ओल्ड मैन के जैसे जो कि स्टोरी में था. पीपल वंडर अबाउट इन दिस लाइफ. लोग भटकते हैं इस जीवन में. अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर. उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनके खुद के अंदर क्या छुपा हुआ है जो कि प्योर है, अनटार्निश्ड है. लेकिन हम भटकते रहते हैं. खुशियां कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं, जबकि सारी चीजें तो अंदर छुपी हैं. वंडर का मतलब होता है आश्चर्य दिखाना, आश्चर्य प्रकट करना. वंडर भटकना. तो यहाँ आश्चर्य का तो वैसे कोई मीनिंग नहीं बैठेगा. वो वंडर मूवमेंट वाली है. ओके ठीक है. तो हो जाएगा 99 का ए और 100 का बी. फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये मैंने ऐड कर दिया. क्या पता कभी पूछ ही ले भैया एग्जाम में जब पैटर्न चेंज ही हो रहा है तो. अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग मतलब घुमा फिरा के बातें करने वाला. सरकम आपको पता ही है, है ना. तो घुमा फिरा के बातें करने वाला सरकम. लोको मतलब बात करना. हां क्वेश्चन मतलब क्या होता है? मैं पता नहीं ना गद्दा खराब. वही तो देखना था. कंसेंट्रिक मतलब छेड़छाड़ करना. फ्रॉडेंट क्वेश्चन मतलब कि किसी भी चीज के साथ आप मतलब जो चीज रियलिटी आप उसे नहीं दिखा रहे हो. कोर्सन मतलब हाँ. कुछ चेंज वगैरह करना या मैनिपुलेट करना. मैनिपुलेट छेड़छाड़ करना मैनिपुलेट करना आएगा ना. हाँ जी मैंने चेक किया उसको. द एक्ट ऑफ कंपेलिंग बाय फोर्स ऑफ अथॉरिटी यूजिंग फोर्स टू कॉज समथिंग टू अकर. स्पेलिंग एक बार बताओ तुम जिसका बता रही हो. मैम किसी चीज को होने के लिए दबाव लगाना. बिल्कुल ठीक है एंड इन्फ्लुएंस एंड क्वेश्चन दबाव डालना किसी पे. 102 एन ओल्ड अनमैरिड वुमन क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर. स्पिंस्टर स्पिंस्टर बोलते हैं. बाकियों का क्या मतलब है? स्नाइपर को पता है. वो तो मुझे भी पता है. वो तो मुझे ही पता है. मुझे भी बाकी नहीं पता. मैं तो चेस जो भी लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जीसस बहुत मैचो बन गए. अच्छा बाकी का पता नहीं. ये है भाभी जी घर पे है देखा है? हाँ नो मैम. उसमें मिस्टर को देखा है?
ऐसे पागल। आई लाइक इट। तो जिसे पनिशमेंट में खुशी मिले वो मैसोकिस्ट है। ठीक है, सेप्टाजेनेरियन क्या है? सेप्टाजेनेरियन, सेप्टाजेनेरियन जो अपने 70s में है वो कौन है? सेप्टाजेनेरियन है स्नाइपर, आपको पता ही है। इंस्पेक्टर आपका इसमें आंसर था। 103 में आते हैं, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। करण जौहर नेपोटिज्म कहता था। बाकी कंफ्यूजन तो लगाया नहीं है बट हो गए मैम। अब लग रहा है कि 101 बड़ा आराम से ठीक हो सकता था, नहीं करा मैडम। मैडम मतलब तो क्या मतलब मैं कह रहा हूँ मैडम तो सुना हुआ है। क्या होता है अब मतलब नहीं पता, बिल्कुल नया सुना हुआ है। मैडम मतलब होता है स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग होता नहीं मैडम सेंचुरी पहला या फिर अनमैरिड मैडम ओवर क्या बोलते हैं मैडम। अनमैरिड लड़की को भी मैडम बोलते हैं। ओके, आइकनोक्लास्ट क्या होता है? मूर्ति भंजक, इमेज ब्रेकर। अब ये कुछ भी हो सकता है, सच में आप मूर्तियां तोड़ रहे हो ठीक है तो भी आप बोल सकते हो आइकनोक्लास्ट। मूर्तियां तो आइडल होती है ना। हाँ, आइडल मतलब इमेज ब्रेकर और मूर्ति भंजक, हिंदी में इसको मूर्ति भंजक बोलते हैं, अंग्रेजी में इमेज ब्रेकर बोलते हैं। तो आप मूर्तियां भी तोड़ने के केस में इसको ले सकते हो और इस केस में भी ले सकते हो कि जैसे पुराने टाइम से कोई चीज चली आ रही है, आपने वो नियम वगैरह तोड़ दिया ठीक है, या कोई इमेज किसी चीज की बनी है आपने वो खराब कर दी तोड़ दी, तो आप क्या है? इमेज ब्रेकर है, आइकनोक्लास्ट है। एबलिज्म क्या होता है? एबलिज्म बैठना बता रहे सामान सक्षमता। एबल ही है, एबल से समझ लो, एबल से ही समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े बड़े शब्द ही हो। 104, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। डिक्टेटर होगा, हाइपोक्रेट होगा, फिलिस्तीन होगा या फिलिस्तीन होगा? फिलिस्तीन होगा, फिलिस्तीन। मैंने वहां फिलिस्तीन से कनेक्ट कर लिया था मैं, इजराइल वाला ना। 105, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी। बदला, वेंजफुल, वेंजफुल, उसको सर्च करना था। ऐसे तो दिक्कत हो जाती है पेपर में, तुम लोग बाकी ऑप्शन देख ही नहीं रहे हो। फ्रेंडली ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं कॉर्डियल। मैम इंग्लिश में मेरे लिए बिल्कुल भी एफेबल नहीं है लग रहा है, क्योंकि तुम इंग्लिश के एफेबल नहीं हो। इंग्लिश को दोस्त बनाओ, अंग्रेजी बन जाएगी दोस्त। बिनाइन, पूरा कोर्स नहीं सुन लिया था हम, कोई दोस्त है ही नहीं अंग्रेजी। क्या बात कर रहे हो यार, अब मेडिकल में जाना पड़ेगा। देख के मेरे को इसका आंसर आया था, देख क्या आया था। 106, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, पवित्र क्या हो जाएगा? सैंक्टिटी। ओके, बाकियों का मीनिंग हो जा इतने अच्छे नहीं है। पार्टी मनी क्या होता है? ये पार्टियों का कुछ है क्या? कंजूसी की क्वालिटी आपके अंदर। अच्छा मतलब ये तो आप ही पे। हाँ, एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट चावल से रिलेटेड होगा। हाँ हाँ, राइस देख लिया तो चावल से रिलेटेड है। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे अंदर और भी बहुत लालच है, भूख है पैसे की, तो आप क्या है? एवरेस्ट है। ओके, सो एक्सट्रीम ग्रीड For money, wealth. Okay, business क्या है? इसका base ही ना हो। Less नहीं है, ness है। जो base जैसा हो। इसके अंदर base ज़्यादा हो, इसकी base ज़्यादा हो। जो base पे है एकदम बहुत छोटा है, छुद्रता, छोटा नहीं, क्या बोलते हैं उसको? छुद्रता। Sorry, छा और क्ष में अंतर हो जाता है, शुद्रता ठीक है। 107, अ सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। वोलेटाइल। हां, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट क्या होता है इसी बात पे अब बताओ। मेहनती, मेहनती।
हाँ कुछ जल्दी खुले हुए कुछ ज्यादा, पर डिटरमिनी डर्नी ना, मतलब जो अपने फोकस हो में थे वो एंड्यूरिंग, ये भी क्षमता से रिलेटेड है कुछ, एंड्योरेंस से ड्यूरेबल है ना। अच्छा इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस मैम, ये रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड क्या होता है इस बात पे बताओ मैम। ट्रैंक्विलिटी लग रहा है मेरे को, ट्रैंक्विलिटी तो बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है, शांति वाली, शांति हार्मनी भी कुछ कुछ मिलती जुलती है। रेक्टिट्यूड मतलब होता है इंसाफ, सादगी, निष्कपटता, और हैसल जो है वो है आपका आंसर हसले। हसले बहुत अच्छे, 109। अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग लॉज, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, पेनालिटी, पेनालिटी, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है इसी बात पे बताओ, एमनेस्टी मेरी माफी, तुम्हारी माफी, सबकी माफी, बिग माफी। बराबर। पेनल्टी तो एक तरह का फाइन ही होता है, और पनिशमेंट तो फाइन बेटे, फाइन ही तो है ये, नियम तोड़ने के लिए आपको फाइन ही तो लगता है। नहीं मैम, इंप्रिजनमेंट भी होती है, ये देख लिखा है क्या? नहीं, ये पनिशमेंट और फाइन अलग अलग बोला जाता है, इसलिए पूछ रही हूँ। ये सीधे अपना लॉ में पहुंच जाए, अंग्रेजी में ही रहना है आरुषि। एक हमारी अमेरिका ने एक ब्रिटिश चीज नोट की है कि ये ना मतलब लॉ से रिलेटेड काफी वो कैबिया वो डाल रहे हैं। अच्छा भाई वो हाई कोर्ट की है। अच्छा आगे बढ़ो, ये कोई नहीं डाल रहे हैं, डालने वाला मैं ही हूँ। नहीं मैं मॉक में भी देखे हैं। देखो अगर तुम अपना लॉ वाला ही पढ़ लो, आधी वो कैब तो तुम्हारी ऐसे निकल जाए। इसका मतलब है अगर तुमसे वो कैब नहीं हो रही कि तुम अपना लॉ वाली चीजें भी ध्यान से नहीं पढ़ रही हो, है ना मैम, बुक पढ़ने में आ सकते हैं। बस हो गया, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, ये तो स्कैर्सिटी देख के समझ आ जाएगा। बाकियों का मीनिंग क्या, प्लेथरा मतलब ऑपोजिट हो जाएगा इसका, मतलब कोई चीज क्या है ज्यादा है, प्लेंटीफुल है। ओके नेक्स्ट, अगले की मीनिंग भाई साहब। मेरी है मैम, स्क्रीन चेंज ही नहीं किया आपने, स्क्रीन तो मतलब चेंज ही करी, स्क्रीन वही है, मैं मेरियड ही पूछ रही हूँ, अगला मतलब मेरियड का ही मीनिंग पूछ रही हूँ। तुम लोग चैट करने से तुमको फुर्सत नहीं है, मतलब ये तो मैम जलपरी वाला लग रहा है। अच्छा असंख्य, बहुत ढेर सारा, तो यानी ये भी आपका ऑपोजिट ही हो जाएगा इस स्टेटमेंट का। प्रोफ्यूजन जो है वो भी एक तरह से ऑपोजिट ही है, इसका मतलब भी है कोई चीज क्या है, अबंडेंट है, profuse amount में है तो abundant है। ओके नेक्स्ट वर्ड मीनिंग वाला देखिएगा, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस कौन सा लगाया मैम, ये सब भी होगा, ऑर्डिनेंस तो एमबी वाला है, ऑर्डिनेंस मतलब होता है लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस मींस होता है मिलिट्री मटेरियल। 112 ये वाले ऑप्शंस ना सेट करने में मेरा दिमाग खराब हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखा मैम। इसके लिए मैंने वो मेमोराइज किया, ऑर्डिनेंस रेजिमेंट है ना उसका शोल्डर टाइटल। इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडुलस दोनों में डिफरेंस क्या है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, यानी अनबिलीवेबल, और इनक्रेडुलस जो इजिली आप पे विश्वास ना करे वो क्या होता है, इनक्रेडुलस मींस नॉट रेडी टू बिलीव, ये हो जाएगा। रिफ्यूट एंड रिपीटिएट में क्या डिफरेंस है, रिफ्यूट का मतलब होता है क्या, मतलब होता है मना करना गलत साबित करना Oh मना God. करना कहाँ होता है भाई साहब, गलत साबित कर देना, और रिपीटिएट मतलब क्या होता है, रिपीटिएट जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम कह रहे हो बहन, बहन नहीं तो कह रहे कि तुम गलत हो, कह रही नहीं, कपिनल हो गया ये वही चीज हमें, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, हो रहा है।
हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, तुमने कौन सा बोला है? अरे भाई ने कमेंट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, रिपीट क्या है कि तुम कह रहे हो कि तुम गलत हो, कह रही है कि जो भी हो मैं गलत नहीं हूँ, यानी कि रिपीडिएट वो इंसान है, मतलब अगर कोई इंसान रिपीडिएट कर रहा है तो वो सामने वाले के सुनने को तैयार ही नहीं है कि मैं गलत हूँ। ठीक, तो रिपीडिएट है ना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू और करेक्ट। हां जी, बी ही है। नेक्स्ट आते हैं 114 पे, इसका मतलब बताएगा। हाँ बता दो, मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी देखा ये सेट करने के बाद। ठीक है, पहले वाला ये वायलेंस का मतलब होता है इमोरल, यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो भाई कर लेना, मुझे नहीं पता उससे क्या, इमोरल। ठीक है, और ये वाला जो वायलेंस इसका मतलब होता है ट्रिक्स। ठीक, इमोरल का मतलब क्या होता है? इमोरल मोरल माने क्या होता है? ओ हो हो, कहाँ से यूज तो करते हैं इसको तो हम। मोरल मतलब नैतिक, नैतिक। इमोरल अनैतिक। हाँ, मोरल साइंस पढ़ते हैं ना, नैतिक शिक्षा। और वो जो मोरल होता है वो ये है, मोरल इमेमोरियल होता है। वो तो पता था। अब उसका हिंदी और एक ये अमोरल भी होता है ना। अमोरल ये हाँ मतलब मतलब अनैतिक। नहीं नहीं, उसका मतलब ये हुआ ना कि मैम मतलब उस सिचुएशन के लिए जो डिसीजन वगैरह लिया जाता है या मतलब जो भी कुछ किया जाता है एक्शन। हाँ। हाँ। वो एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है और दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू से गलत। कि किसी एक सिचुएशन में जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, जिस जो नैतिकता की जरूरत है वो अभी नहीं है एक तरफ से, दूसरी तरफ से हो सकता है कि हाँ सही हो आप। तो मान लो मैं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, तो मैं आपको अमोरल बोल दूंगी आपके लिए, आप ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विदर एंड। चलो इधर आओ, विदर एंड विदर यही बोलते हैं इसको, रुक जाए यार कहीं गलत ना बोल दो, मैं बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो विदर विदर पढ़ रहा था। हम प्रोनाउंस तो दोनों का बहुत हद तक सेम ही होगा ना। वही वही मैं सोच रही हूं, एक बार चेक कर लूं। विदर मींस टू फेड। हम्म, तो वाइटर मींस। हां दोनों का ही सेम है, विदर ही है, विदर। हां बताओ, विदर मतलब फेड हो जाना और विदर का मतलब होता है वियर। ये मुझे पहली बार पता चला, झूठ क्यों बोलूं, ये वाला मतलब मुझे पहली बार पता चला कि विदर का मतलब वियर होता है। मैं तो मोर वाइट कर दिया था विदर का, मैंने भी ऐसे ही करा था, फेड और मोर वाइट, बस इसीलिए मैंने लिखा इधर को वाइटर होता है। वाइटर ने ना कर देते भाई, अरे यार इसमें खेल लिया मैं अपने, ही गलत बात है, एच छूट गया। बस वही मुझे लगा कि बुद्धि तुम लोग लगा सकते, इसलिए मैंने उसको मोर वाइट कर दिया। Next, transformation of sentences. ये PYQ से था। हाँ, Minchi should have worked hard. She would have cleared the test. See. अगर Minchi ने work hard किया होता तो test clear कर लेते, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। No ma'am. Okay. He is too tired. He could not stand. So tired that he could scarcely stand. अच्छा. ठीक है। And he's too tired and cannot stand. And cannot? ना? And cannot जब, stand. जब two वाला होते हैं तो मैम negative उसमें use नहीं करते ना? नहीं करते हैं। यहाँ two का मतलब ही है इतना जितना नहीं होना। तो मैम scarcely भी negative ही है। अरे भाई देखो। वो घुमा के बोला है ना? जब two लगाते हैं तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप बोल दो, he is too tired. टू स्टैंड पहला तरीका। दूसरा तरीका है अगर आपको ये टू हटाना है तो वहां पे आप सो दैट लगाते हो, इतना जितना के लिए। वो इतना थका है, ठीक है, जितना या फिर की भी होता है, तो वो इतना थका है कि मुश्किल से ही खड़ा हो सकता है। इतना थका है कि मुश्किल से ही खड़ा हो सके, तो मुश्किल से ही के लिए आपने यहाँ स्केट से लगाया।
आगे 118 द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग नो सूनर द टीचर एंटर द क्लासरूम देन बी वाला कभी ऐसे मत होना कि नो सूनर सही है डिड सही है बस तुक्का मार दिया यहाँ देन है यहाँ देन है देन नहीं होता है देन होता है ही इज हार्ड वर्किंग ही इज ऑनेस्ट टू हार्ड वर्किंग भी ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो ऑनेस्ट ऑप्शन बी नॉट ओनली बट आल्सो नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो ऑनेस्ट ही हैज बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन ही कुड नॉट सक्सीड सो ही हैज बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन ही कुडंट सक्सीड ही कुड नॉट सक्सीड सी हो जाएगा ठीक है ये हो गया अभी क्या क्या बचा था इसमें पी क्यू आर एस बचे थे ना वो मैम लास्ट वाले हम छोड़ते हैं वो सब हाँ बाकी तो हो ही गया बस पी क्यू आर एस और वो पैसेज बचे हुए हैं पहले पैसेज बाद में करते हैं पहले जो सामने आता है पहले छोटे वाले कर ले यार कौन सा क्वेश्चन नंबर है ओके क्या है पहले क्या आएगा महात्मा गांधी वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर हु कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बन गया कौन सा है ऑप्शन सी इजी बनाए थे क्या हाँ थोड़े इजी रखे थे मैम ये जो इजी होते हैं उनको इजी मत रखिए जो थोड़े टफ होते हैं उनको थोड़ा सा दिखाइए मतलब ये इजी होते हैं देखो पी क्यू आर एस छोटे वाले तो इजी होते हैं बड़े वाले टफ होते हैं ओ मैम वो भी इसलिए टफ होते हैं वो ना काफी लंबे हो जाते हैं जैसे अगर छोटे छोटे दे रखे हो ना वो आराम से हो जाते हैं जब भी देखना कभी मैम उस दिन आपने लगाया था ना आपने जब उस दिन लगाया था ना हम लोग के सामने उस दिन के बाद से अपने आप वो लंबे वाले भी ठीक होने लगे हैं लेकिन बेसिकली ग्रामर वगैरह में तो एकदम एमकेसी कोई बात नहीं अगले बार यदि मोहनदास तो आप पूरा वाला पढ़ लीजिएगा है ना हम अगली बार जिंदगी छोटी है बहुत 16 पर तक के लिए बची है बस टिकट कट गया क्या अगला जी नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ English is the first choice most other countries of the world of foreign language in most other countries of the world. English is the first choice. क्या हो जाएगा PSQR? हाँ जी मैम. Okay. आगे 64. During the day, donkey would carry, but during the day, donkey would carry the washerman's bag, but during the night, he was set free to eat the green grass in a nearby field. तो 64 का हो जाएगा आपका B. ठीक है? B. Next, he planned the entire strategy of operation almost single-handed. So, PRQS. हम single-handedly अगर आता, मजा आ जाती. मजा आ जाती. Number 66. It is a fact that rice is one of the most prolific food crops. बस ये गलत हुआ. Fact that most prolific food crops. हाँ जी मैम. ये के बाद है. फूड क्रॉप्स पी के बाद एस एक ही में दिख ही रहा है फूड क्रॉप्स यील्डिंग अ ग्रेट रिटर्न पर एकर ऑफ देन ऑलमोस्ट एनी अदर नंबर 67 अप टू द मैं मैंने इसका बी बनाया था एक बारी बी देखना आर एस 65 आर पी एस क्यू हां जी 66 का सॉरी बी आर पी एस क्यू यील्डिंग अ ग्रेट रिटर्न पर एकर ऑफ इट नहीं आ रहा है दैट ना सही नहीं डी ही बन रहा है बस ठीक है पर्टिकुलरली ड्रेडेड डिजीज अच्छा ये सॉरी बट ऑल्सो बिकॉज दोज हु कवर्ड वर परमानेंटली disfigured r के साथ ऐसा आना चाहिए दो जगह दिख रहा है हम p के साथ आ रहा है चाहिए p के साथ आ रहा है ऑप्शन फटल बट अरे रुको यार ऑप्शन डी लगा दो q p r s रुक जाओ
स्मॉलपॉक्स वाज अ पर्टिकुलरली ड्रेडेड डिजीज अप टू द हां आप ठीक है ओके अब क्यूपीआरएस 68 अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग वुड बी सीज्ड बाय वायलेंट सिम्टम्स आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ मंथ और टू एंड डाई एन एगोनाइजिंग डेथ क्या हो जाएगा क्यूपीआरएस हां जी पीक्यूआरएस पीक्यूआरएस ओके द ट्रैवलर सेट डाउन By the rose, being weary. Being weary. पहले ऐसा है ना? Sat down. एक ही जगह है? हाँ. Next. The house was gloomy with its gloomy liveliest life. member away. क्या हुआ? मनस्वी? क्या हो गया भाई? वो मैं गलती से हो गया था. Okay. The house was gloomy with its liveliest member away. Gloomy मतलब? कई बार आ चुका है पी वाई दुखी सैड सोरोफुल नेक्स्ट टू गेम कॉक्स वर फियर्सली फाइटिंग फॉर द मास्टरी ऑफ द फार्म फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ? फिर While the conqueror, जो जीता था, flying up to high wall, flapped his wings and crowed exultingly with all his might. An eagle sailing through the air pounced upon him and carried him off in his talons. एक ईगल आया, उठा के उसको ले गया, और जब उठा के ले गया, तो अपने आप ये लास्ट वाली लाइन आ जाएगी, है ना? नहीं आएगी? बोलो। सिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी स्टार्टेड अ समर कैंप फॉर किड्स इसके बाद एग्जाम में भी गलत हुआ था फिर कैंप का नाम बताएंगे पहले हां कैंप का नाम नहीं बताओगे मैं बड़ी तैयार है तो इंट्रो दे रहे हो तो पहले अपना नाम भी तो बताओगे मेरे घर में 1998 में एक लड़का पैदा हुआ उस लड़के का नाम था मनस्वी सिंह 2002 हां चलो ठीक है तो यहां पे पहले आ जाएगा आपका क्यू नाम बताने वाला तो क्यू एक ही जगह है वही आपका आंसर यस एम बी होगा The bunny rabbit lived in a forest. He had many friends and he was proud of his friends. One day, bunny rabbit heard the loud barking of wild dogs. He was very scared. He quickly went to his dear friend. Only he decided karega, phir jayega. Pehle decide karega, phir jayega. Okay. 74. One hot day, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came to a spring. Phir kya hua? To reach the spring, She had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell into the water. She could have drowned if a dove of a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly took a leaf and dropped it into the water near the struggling ant. Fir S2. Ant hota hai ki ant hota hai? तुम्हारी चाची बुआ मौसी हो जाएंगी आंटी तो करती आंटी गिर गई तो उसको निकालेगा कौन अंकल आई हैव अ ड्रीम अंकल को मौका मिलेगा दूसरी का आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर I have a dream is a speech ये क्या ये क्या सवाल है भाई? I have a dream मतलब वो speech का नाम रहेगा। अच्छा हाँ ये काफी time में समझ आया था कि ये speech का नाम है। मैं मतलब यहाँ पे इतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया। Sorry
अमेरिका के हो ना तुम. आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. फिर आगे क्या होगा? फिर होगा ये विच किसके लिए आया है? स्पीच के लिए. स्पीच के लिए क्यों आएगा सबसे पहले? एक ही में है आंसर. 76. Once when a lion, the king of the jungle, was asleep, a little mouse began running up and down on him. फिर क्या हुआ? This soon awakened the lion. जो हाँ, बहुत जल्दी जग गया. याद के सबसे पहले. और अगर P आएगा पहले तो एक ही जगह. 77. One afternoon, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from a lofty branch. फिर क्या हुआ? मैम अभी जैसे 76 में वगैरह हमें एक ही ऑप्शन में मिल गया पहले ही इसमें, तो एग्जाम में भी ये हरकत करनी है क्या, मार्क कर देने का या पूरा करना चाहिए? देखो एक बार ना पेंसिल से पहले मार्क कर लेना. हाँ मैम वो तो करते हैं, पर मतलब एक बार मार्क कर लिया तो हम वापस देखते नहीं ना इतना. और ये तो मैम अगर देखो ये जो होता है तो लास्ट को आता है, तब तो टाइम भी ज्यादा नहीं रहता. तो एक बार अगर दिख गया कि हाँ ये है, तो जल्दी से उस वाले ऑप्शन के हिसाब से सेंटेंस बना के देख लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं दिख रही है. यही लास्ट आपके पास ऑप्शन बचता है कि जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उस हिसाब से एक बार सेंटेंस ये पूरा पैराग्राफ बना के देख लो. अगर कोई गलती नहीं है तो एकदम उसको टिक कर दो पेपर में, मतलब आंसर शीट में. मैम एक चीज मैं ऐसे करती हूँ, मतलब जैसे कुछ समझ नहीं आता ना कौन सा कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना के देख लिया. ये आपका बिल्कुल लास्ट स्टेप होना चाहिए. हाँ बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है. आपको हिंट मिल गया है, मान लो अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो दोनों को एक बार बना के देख लो जल्दी से. इसलिए स्टार्टिंग से मैंने बोला कि आपको रीडिंग स्किल आपकी हमेशा इम्प्रूव्ड रहनी चाहिए, जितना भी है और उसको पढ़ो. और पढ़ोगे तो जल्दी मीनिंग निकलेगी, तो जल्दी जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत बोलने वाले इंग्लिश बोल लेते हैं फिर सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी. नहीं होती. पढ़ने में मजा आ जाती है लेकिन जब आप मीनिंग निकालने बैठोगे नहीं हो पाएगा. ओके 77 का क्या होगा? One afternoon, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from a lofty branch. फिर क्या हुआ? Taking a few steps back, he slipped पीछे लिए और जंप लगाया. सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले वो उसने देख के बोला, just the thing to quench my thirst. यही है जो मेरी प्यास बुझाएगी. फिर क्या होगा? Taking a few steps पीछे गई, कूदी लेकिन नहीं पकड़ पाई. अगेन वापस करेगा, अगेन वापस करेगा, ठीक है. फिर फेल हो गया. फिर फाइनली गिव अप कर दिया और बोला अंगूर खट्टे. ठीक है तो एस पी आर क्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका. हाँ अरे 78 क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, ठीक है. 78 एवरी ईयर इन जुलाई द सिटी ऑफ पैम्पलोना इन नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन होल्ड्स अ रॉलिकिंग वीक लॉन्ग फेस्टिवल. कोई फेस्टिवल होता है. देयर आर अनयूजुअली. ठीक है तो अब क्या होगा? यहाँ होगा इन द फेस्टिवल देयर विल, सॉरी मैं बोल रहा हूँ ना, इन द फेस्टिवल देयर विल बी ड्रिंकिंग परेड्स डांसिंग एंड रेवलरी लेट इनटू द नाइट. पहले इसके बारे में बताएंगे फेस्टिवल में होगा क्या. ठीक है उसके बाद बताएंगे कि एक अनइनिशिएटेड ऑब्जर्वर टू एन अनइनिशिएटेड ऑब्जर्वर इट विल लुक ऑल प्रीटी नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. हम रुक गया ना उसको ऐसा आएगा. उसके बाद एक पी आएगा कि वो जो वन थिंग है वो है क्या. वहां पर एम्बुलेंस खड़ी है, पैरामेडिकल टीम खड़ी है, ये सब. जब ये चीज होगी तो फिर वो कहेगा हाँ इसकी वजह क्या थी, वहां बहुत खतरनाक मामला पार वाला. पूरा हिंट क्या है? दैट इज बिकॉज किसके लिए आया है? सोच लो किसके लिए आया है. दैट इज बिकॉज आया है आपके पी के लिए. पी आर देखो आंसर मिल गया. आगे बढ़ जाओ. हियर आर अ फ्यू थियरीज एज टू व्हाई अ बेकर्स डजन बिकेम 13. Even with tears. मैं भी तो आपने बताया था उसमें. ये मैंने बताया था idioms and phrases में. हाँ, उसमें कहानी बताई थी इसकी. एक और सुधर्जन भी तेरा हो. वीडियो देखो, रिव्यू पढ़ाओ. ये पढ़ लो यही है. idioms and phrases वाला जाओ. यही कहानी मैंने सुनाई है वहाँ. ओके, बताओ. कहानी सुनने के लिए. Here are a few theories as to why a baker's dozen became 13. So, In medieval England, there were laws that related the price of bread to the price of wheat used to make it. Option D. आगे. ऐसे शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है मैम. Bakers.
हम कहानी पढ़ेंगे ना. Waiters who were found to be cheating their customers by overpricing undersized loaves were subject to strict punishment. फिर क्या हुआ? There may be fluctuations in pricing and baking and air content. फिर even with careful planning, it is difficult to ensure that all of your baked goods come out the same size. ठीक? For fear of accidentally coming up short, they would throw in a bit extra to ensure that they wouldn't end up with surprise flogging later. तो 79 का हो जाएगा D. कहानी समझ आई? पहले बोलते तमीज बनाती थी. Once upon a time, there lived a farmer in village beside a forest. फिर क्या हुआ? He had a big garden that had an old apple tree and other plant trees and beautiful trees. फिर क्या हुआ? अब जब कितना हो गया तो फिर when the farmer बच्चा था तो उसने वो उस पेड़ के नीचे में जीवन बिताया. फिर वो बच्चा क्या है जब तक पेड़ था वो पेड़ नहीं पेड़ एप्पल ट्री है ये उनका चाचा था तो बहुत अच्छे से उसको आम देता था. इंडियन है ना नॉट इंडिया के. तो हाउएवर टाइम बीता गया और पेड़ बूढ़ा हो गया उसने फूल देना बंद कर दिया खत्म. मेरे नेटवर्क चला गया. हेलो नहीं भाई इसमें क्यूआर लास्ट हो गया. ये आपका हिंट था किसका? 81 ये तो हो गया ना. बिल्कुल हो गया ये भी हो गया. अब क्या बचा है आपका? पैसेज बचा है. पैसेज ओके. कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 है स्टार्टिंग में? चलिए चलते हैं. बहुत गलत क्वेश्चन होगा. गलत होगा ही कैसे नहीं गलत होगा. और मत पढ़ो. हाँ दो गलत हुए थे मामा. पैसेज डुआंजी वाज अ मैजिस्ट्रेट हु लिव्ड 100 इयर्स अगो. ही वाज फेम्ड फॉर द फेयरनेस ऑफ हिज जजमेंट्स. वन डे व्हाइल द मैजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग थ्रू द मार्केट ही सॉ अ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप. ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज ही लर्नड दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड अ हैवी सैक ऑन अ चिकन क्रशिंग इट टू डेथ. The chicken was small, worthy only about 5 coins. But the owner of the shop had caught the peasant by his throat and was demanding 100. His argument was that the chicken would have grown into a plump bird in another 2 years and then it would have fetched him the amount he was asking for. Somebody recognized the magistrate and everybody made way for him. Judge our case, my lord, said the owner of the chicken, letting go of the peasant and bowing obsequiously to the magistrate. This man, through his carelessness, has caused the death of a chicken that would have fetched me 100 coins in another 2 years. Fest had made the peasant's speech incoherent. Nobody could understand what he was saying. The price put on the chicken is 100 coins, said the magistrate to the peasant. I advise you to pay. क्या कहा magistrate ने किसान से कि तुम pay करो 100 coins. There was a gasp from the peasant's favor as he was penniless. Sorry. एक लाइन छूट गई ना. There was a gasp from the crowd. Everybody had expected the magistrate to rule in the peasant's favor as he was penniless. The owner of the chicken was overjoyed. They said, "You were fair in your judgments, my lord," he said, nibbling his hands in glee. Now I can say there is no more fairer than you. लोग कहते थे कि आप अपने जजमेंट्स में बहुत निष्पक्ष रहे हैं और अब मैं कह सकता हूँ कि आपसे ज्यादा निष्पक्ष कोई नहीं है. द लॉ इज ऑलवेज फेयर, स्माइल्ड द मजिस्ट्रेट. टेल मी हाउ मच ग्रेन डज अ चिकन ईट इन अ ईयर. अबाउट हाफ अ सैक, सेड द पोल्ट्री शॉप ओनर. सो इन 2 years द चिकन हु डाइड वुड हैव ईटन होल सैक ऑफ ग्रेन, सेड दुआंजी. प्लीज गिव द सैक ऑफ ग्रेन यू हैव सेव्ड टू दिस मैन. द पोल्ट्री शॉप ओनर टर्न्ड पेल. अ सैक ऑफ ग्रेन वुड कॉस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स. Cowed by the jeers of the crowd, he declared he would not take any money from the peasant. He retreated into the safety of his shop. कहानी समझ आई? हाँ मैम. मैम निबलिंग मतलब? निबलिंग मतलब जैसे होता है ना कि क्या बोलूं? लाइन देख लो फिर समझ आ जाएगा. शब्द ही नहीं याद आ रहा है. कौन सी लाइन में था? ये Overjoyed वाले के जस्ट नीचे. They said you were fair. Said you were fair in your judgment, my lord, he said, nibbling his hand in glee. आपके
हाँ पते हो निबल का देखो एक मीनिंग तो होती है कि उसमें छोटे छोटे बाइट में काटना, अच्छा, और दूसरा मतलब होता है कि जैसे अगर आप हाथ अपने जोड़ोगे, हाँ जैसे आप अपने हाथ जोड़ोगे मारे खुशी में आप हाथ जोड़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा वो ऐसे टकराता नहीं है कांपने के सेंस में। हाँ पर जो यहाँ पे है जो दे लगा है मतलब कि लोगों ने कहा होगा ना और ओनर के लिए आता तो ही आता ना यहाँ पे तो ओनर ने कहा लॉर्ड से ओनर ने कहा कि दे सैड लोग कहते थे कि आप निष्पक्ष रहे हैं अपने जजमेंट्स में ठीक है यही एक स्टेटमेंट है जो ये ही कह रहा है दो बार फिर अपने हाथ जोड़ते हुए कह रहा है कि नाउ आई कैन से देयर इज नो वन फेयरर देन हैंडसमली मतलब अरे ग्ली जैसे क्या बोलते हैं कृतज्ञता बोलते हैं क्या ग्ली आंख में आंसू आ जाए ऐसे भाव विभोर वही भाव विभोर होके नहीं यार बहुत खुशी होती है तो आप ग्रेटर मेरिमेंट मलिशियस अच्छा हुआ मैम ग्रेटर ग्रेट मेरिमेंट या फिर मलिशियस सेटिस्फेक्शन खुश हो जाना खुश हो जाना ओके सेटिस्फेक्शन का मीनिंग यहाँ पे वही है कि वो जो चाह रहा था वो हो गया ये सारा जो पूरा लाइन है ये ओवर जॉयड के ही केस में आया हुआ है ठीक है ओके क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड ओवर जॉयड एज यूज इन द स्टोरी ओवर जॉयड है तो क्या है आप चांद तो नहीं होंगे ओवर बर्डन भी नहीं होंगे ड्रीमी भी नहीं होंगे सपने थोड़ी देखने थ्रिल्ड हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनकोहेरेंट एज यूज्ड इन द स्टोरी इनकोहेरेंट कहां लिखा था कि जो किसान का स्पीच था वो इनकोहेरेंट था अगली लाइन में लिखा था कि कोई भी उसकी बात को समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहा है मतलब ऐसा कह रहा है कि किसी को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है क्लियर नहीं है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा अनक्लियर था ना वो इनकोहेरेंट का मतलब है कि साफ नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या बोल रहा है स्पष्ट नहीं है तो उसका उल्टा जाएगा क्लियर 13 पे आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द पोल्ट्री शॉप ओनर एंड द पीजेंट बिकेम फ्रेंड्स इवेंचुअली फ्रेंड्स बन गए थे क्या नहीं दुआंजी सब्सिक्वेंटली फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्राउड बाय टेकिंग द राइट डिसीजन ऐसा हुआ था द पीजेंट डिसाइडेड टू गिव हाफ द मनी टू द पोल्ट्री शॉप ओनर ऐसा कुछ हुआ था नहीं 100 पॉइंट था है ना तो क्या हो जाएगा चेहरे की रंगत तोड़ जाना ओके तो हो जाएगा वॉज शेकन नंबर 15 पे यहाँ पे शॉक्ड भी आ सकता था ना अगर ऑप्शन होता तो होता तो हाँ हो सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द पोल्ट्री शॉप ओनर forgiving था annoying था charming था या devious था devious devious मतलब बोल नहीं सकते जस शुरू होता है वर्ड हां जस शुरू होता है टू पे खत्म होता है क्या दुष्ट मैम जस शुरू होता है हम दुष्ट ही मान लो भैया devious ओके जस शुरू होता है टू पे खत्म अरे हिंदू तुम आगे बढ़ते हैं मैम annoying नहीं होगा annoying किसको परेशान कर रहा था वो पीजेंट को annoying तो तुम अरे भाई annoying तो मेरी गर्लफ्रेंड होती है हम घर में दीदी मम्मी भी है ऐसा नहीं है इसीलिए रिलेट नहीं हो रहा है भाई वो अंकल के लिए है अंकल के लिए चलो नेक्स्ट पैसेज देयर इज अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड The good news is that much of the world is fed up with corruption. The bad news is that the way many are fighting corruption is ineffective. Too often, the remedy centers on finding and empowering an honest leader who promises to stamp out the problem. Too often, the remedy centers on finding and empowering an honest leader who promises to stamp out the problem. Worldwide, candidates for elected offices are running on highly personalized anti-corruption platforms, offering themselves as the solution. What countries really need, though, are smart laws that reduce the incentives and opportunities for corruption.
they also need a strong institutions that enforce those laws and deprive the corrupt and their accomplices of impunity in their efforts to get rich at the public expense. But growing global impatience with corruption is visible in the proliferation of anti-corruption fighters as political candidates. Protests against corruption are massive and frequent all over the world. Mexico, Bulgaria, Russia, Thailand are just some of the many countries where these have erupted. Citizens there and elsewhere no longer believe that corruption is inevitable or that it is futile to try to fight it. The impact of some of these popular protests has been surprising. The presidents of Guatemala and South Korea, for example, have been deposed and imprisoned. In Brazil, huge marches created the conditions for president's impeachment. It is gratifying to see corrupt leaders removed, but it does not follow that an honest political leader is the best antidote to corruption. In Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, for example, the Inter-American Development Bank is supporting public innovation laboratories that experiment with new methods. While in Brazil, a group of data analysis experts has used artificial intelligence techniques to monitor public officials. They focus narrowly on limiting fraud among members of parliament, seeking reimbursements for their travel and food expenses. After getting crowdfunding for the startup cost, they created Rosie. रोजी को क्रिएट किया जो कि क्या है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है दैट एनालाइजेस द रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर सॉरी ऑफ लॉ मेकर्स एंड कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर जस्टिफाइड द टीम गेव रोजी हर ओन ट्विटर अकाउंट एंड हर फॉलोअर्स आर इंस्टेंटली नोटिफाइड इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्राइज टू चार्ज द गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंसेस दैट हैव नथिंग टू डू विद हिज और हर वर्क. Rosie is just one small example showing the positive trends and new possibilities in the fight against corruption. Corruption के बाद I think यहाँ पे full stop होना चाहिए था. It reveals the power of a well-organized civil society combined with technological innovation and information transparency in the public sector. Questions पे आएंगे, which of the following are true in the context of passage? Electing honest leaders is the only solution of the problem of corruption. सही है क्या? नहीं. Only solution नहीं है ये, है ना? Corruption is being creatively tackled. ये सही है? Yes sir. जैसे रोजी का एग्जांपल था, लॉज रेगुलेटिंग करप्शन नीड्स स्ट्रेंथनिंग, ये बात थी पैसेज में? यस मैम. बिल्कुल थी. 2-3 हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड नैरोली एज यूज्ड इन द पैसेज? नैरोली नन लगा मैम. नन जरूरी थोड़ी है कि होगा ही. नैरो मतलब क्या होता है? पतला. भीड़ा. उसका उल्टा. ब्रॉड होगा. तो यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, है ना? ओके. नैरोली मतलब पैसेज के हिसाब से भी आप बात करोगे तो एक नैरो मैनर की बात होगी, बहुत ही क्लोजली बात होगी. कहाँ पे था नैरोली? दे फोकस नैरोली ऑन लिमिटिंग फ्रॉड इन अ नैरो मैनर ही मीनिंग है यहाँ. ठीक है, तो उसका उल्टा इनमें कोई नहीं है. Which of the following describe the author's view? Tackling corruption needs inventiveness. सही है क्या? हाँ जी. Yes. Honest leaders might help tackle the problem of corruption. ये भी सही है. दोनों सही हैं. Option D हो जाएगा. Both A and B. हाँ. Which of the following has been the impact of protest discussed in the passage? Protest होने से क्या हुआ? Whose and widespread violence हुआ, ऐसा कुछ लिखा था पैसेज में? नहीं लिखा नहीं. था. करप्ट लीडर्स का रिमूवल हुआ, ऐसा कुछ लिखा था? Yes, sir, नहीं लिखा था. हाँ, नहीं था. मैनी ब्राजील में हुआ था. डिस्ट्रॉय हुए, ऐसा कुछ लिखा था? नहीं लिखा था. सो ओनली 2 वाला हो जाएगा आपका बी ऑप्शन. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ रोजी साइटेड इन द पैसेज? टेक्नोलॉजी कैन बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टू टैकल द इश्यू ऑफ करप्शन. सही है. सही है. सोशल मीडिया excavate social problems. नहीं ऐसा कुछ तो नहीं लिखा था. सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं हुई थी, है ना? तो ये भी नहीं है. The use of AI to govern behavior is unethical. ये भी नहीं. तो सिर्फ एक ही है. इसी के साथ ही पेपर आपका खत्म होता है. अब काउंट करके बताना कितना है क्या. मैम इसमें कितने मतलब आंसर की से लग रहा है? एक भी नहीं. और वो एडेड वाले में बोल रहे थे
अच्छा हाँ सॉरी 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 एरर वाले नंबर दे बताया था ना आपको। हाँ जी हम थ्री और फोर में था। हाँ फोर्थ में आप नंबर दे लो खुद को क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग का प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मैं कहता हूँ मुझे दे दिया करो मैं क्रॉस करके दे दिया करूँ।